हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है खेल प्रशिक्षण एवं शिक्षण विधियां, यानी स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड टीचिंग मेथड। जैसा कि दोस्तों बीपीएससी टीआई 3 के लिए आपके पास थोड़ा भी वक्त नहीं है और कम से कम 25 दिन का ही आपके पास टाइम है और इतने टाइम में आपको प्रिपरेशन करना है। जैसा कि मैं सजेस्ट करूँगी कि जो टीआई 2 में मैंने प्रैक्टिस कराया हुआ है एमसीक्यू हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो उस सभी वीडियोज को आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के अनुसार टॉपिक वाइज मैंने प्रैक्टिस कराया हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड जो डेली बेसिस में वीडियो अपलोड कर रही हूँ उसे भी प्रैक्टिस करते रहिए। वन लाइनर के द्वारा मैं सभी टॉपिक को क्लियर कर रही हूँ, सभी डाउट को क्लियर कर रही हूँ। इसके बाद मैं जैसे ही वन लाइनर समाप्त होता है मैं एमसीक्यू के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। परीक्षा से पहले सभी टॉपिक को क्लियर कराने की पूर्ण कोशिश करूंगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, खेल प्रशिक्षण जैसे कि स्पोर्ट ट्रेनिंग। आपको पता है इसके अंतर्गत जो फिजिकल फिटनेस है उसको दो भागों में बांटा गया है, हेल्थ रिलेटेड एंड मोटर स्किल रिलेटेड। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत आपको पता है कि हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन आता है। एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, एबिलिटीज आता है। एंड और जो ट्रेनिंग योजना है, ट्रेनिंग साइकिल, प्रायोरिटाइजेशन एंड जो प्रशिक्षण भार होता है, इंटेंसिटी, वॉल्यूम आदि के बारे में हम पढ़ते हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग के अंतर्गत। ये सभी टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से एक एक चीज को मैं क्लियर करूंगी। तो दोस्तों, क्वेश्चन है प्रशिक्षण के नकारात्मक स्थानांतरण को किस रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि प्रशिक्षण के स्थानांतरण को किसे कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो जो भी हम कुछ भी सीख रहे हैं, अगर उस चीज जो हम सीखे हैं कोई अन्य कार्य में या स्किल सीखने में अगर वो सहायता करे या न करे, उसी को हम कहते हैं प्रशिक्षण का स्थानांतरण। ये तीन प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्यात्मक। जब पहले के सीखा हुआ स्किल दूसरे स्किल को सीखने में सहायता करे तो वो सकारात्मक स्थानांतरण होता है। जब बाधा उत्पन्न करे तो नकारात्मक स्थानांतरण होता है। जब न बाधा उत्पन्न करे नए कार्य सीखने में और न ही सहायता करे तो उसे हम कहते हैं शून्यात्मक स्थानांतरण। यहाँ पे नकारात्मक पूछा है यानी ऋणात्मक, यानी कि वो बाधा उत्पन्न करेगा, हस्तक्षेप करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आदत हस्तक्षेप के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, कौशल प्रदर्शन को आसान बनाने के लिए किस प्रकार की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक अधिक कारगर होती है। तो हमेशा आप उसकी सुधारात्मक फीडबैक सबसे ज्यादा जो है वह कारगर होती है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रतिरोध प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप महिलाएं अपनी क्षमता को बढ़ा सकती हैं। यह क्षमता बढ़ोतरी किसे के कारण से होती है। तो दोस्तों, यह तंत्रिका तंत्र संबंधी कारकों के कारण होती है। नेक्स्ट है, कसरत गहनता के बढ़ने के अनुपात में स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है। राइट है, साधारण स्थिति में जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो 70 ml होता है, परंतु जब हम कसरत या व्यायाम या कोई एक्टिविटी करते हैं तो उस कंडीशन में जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो लगभग 50-60% ब्यूटू मैक्स बढ़ जाता है। जैसे कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, जब हमारे हृदय का बाएं नीले जो है एक धड़कन में जितना रक्त शरीर की तरफ भेजता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है, जो प्रति धड़कन 70 ml होता है। एंड जो हमारा हार्ट रेट होता है प्रति मिनट 72 होता है। तो 70 और 72 को दोनों को गुणा करने पर कार्डियक आउटपुट यानी कि हृदय का जो आउटपुट होता है एक मिनट में उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। और कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। 70 + 72 का गुणा करेंगे तो 5040 यानी 5.04 liters प्रति मिनट जो हृदय होता है रक्त का फ्लो करता है। नेक्स्ट है, आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन में पेशियां क्या होती हैं। तो आइसोमेट्रिक
आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लंबाई, यानी सेम लंबाई, यानी कि जो मांसपेशियां होती है नहीं सिकुड़ती है और नहीं फैलती है, लंबाई सेम होती है, और जो तनाव होता है बना रहता है और इसमें कार्य होता हुआ दिखाई नहीं देता है, जैसे दीवार को धक्का मारना। नेक्स्ट है, किसे स्पीड प्ले भी कहा जाता है। तो दोस्तों फॉर्टलेग ट्रेनिंग को स्पीड प्ले भी कहा जाता है, यह हर बार पूछा जाता है, इसलिए इसको आप अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। और यह जो फॉर्टलेग ट्रेनिंग मेथड है, यह सहनशीलता यानी कि इंडोरेंस को डेवलप करता है और यह बिना पूर्व नियोजित ढंग से किया जाता है। यह स्वीडिश शब्द से लिया गया है फॉर्टलेग ट्रेनिंग मेथड, और जिसकी फॉर्टलेग ट्रेनिंग मेथड की जो हार्ट रेट होता है, इसमें फॉर्टलेग ट्रेनिंग मेथड में हार्ट रेट जो है वह 140 से 180 तक होता है, और इसमें बिना पूर्व नियोजित ढंग से किया जाता है, जबकि वेरिएबल पेस मेथड में पूर्व नियोजित ढंग से किया जाता है, याद रखिएगा। और जो फॉर्टलेग ट्रेनिंग मेथड की खोज जो है 1937 में गोस्टा होमलर ने किया था, जैसा कि इस बार भी फॉर्टलेग का अर्थ पूछ लिया था। जो हमारा एंडोरेंस है, सहनशीलता को डेवलप करने की चार विधियां होती हैं, कंटीन्यूअस, इंटरवल, रिपीटेशन, कंपटीशन मेथड, जिसमें से कंटीन्यूअस मेथड जो है इसकी खोज 1920 में अर्नेस्ट महोदय वी आकन ने किया था। कंटीन्यूअस मेथड भी चार प्रकार का होता है, स्लो कंटीन्यूअस, फास्ट कंटीन्यूअस, फॉर्टलेग मेथड, वेरिएबल पेस मेथड। नेक्स्ट है, शक्ति को बढ़ाने वाली प्रशिक्षण विधि क्या कहलाती है। तो शक्ति को बढ़ाने वाली प्रशिक्षण विधि प्लायोमेट्रिक विधि होती है। यहाँ पे ओनली शक्ति पूछा है तो भी राइट होगा, यहाँ पे विस्फोटक शक्ति को बढ़ाता है, शक्ति में भी अगर विस्फोटक शक्ति को बढ़ाने वाली पूछेगा तो भी प्लायोमेट्रिक राइट होगा, विस्फोटक शक्ति को बढ़ाता है प्लायोमेट्रिक जंप। इसकी खोज बरखोंस्की ने किया था, और विस्फोटक शक्ति का यह प्रमुख भाग होता है प्लायोमेट्रिक्स, क्योंकि इसके अंतर्गत हर्डल जंप, वन लेग जंप, बोथ लेग जंप, टंग जंप, बंडी जंप, बॉक्स जंप आता है। बॉक्स जंप में क्या होता है कि इस विधि में पेशियां जो है प्रतिरोध के विरुद्ध संकुचित होने से पहले अधिक फैलती है, यानी प्रकुंचित होती है। इसके विकास के लिए विभिन्न ऊंचाई के बॉक्स या बेंच रखा जाता है, और बॉक्स को एक सीधी रेखा में रखकर खिलाड़ी बॉक्स के ऊपर से जमीन पर जंप करता है, और जिसमें पेशी जो है संकुचित होने से पहले प्रकुंचित होती है, यानी संकुचित कंट्रैक्शन के पहले वो फैलती है। और जो बॉक्स होता है उसकी जो लंबाई यानी ऊंचाई होती है वो 40 से 120 सेंटीमीटर तक होती है, और जंप हमेशा पंजों पर होता है न कि एड़ी पर, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, अभी जस्ट फॉर्टलेग मेथड के बारे में मैंने बताया था, तो क्वेश्चन है फॉर्टलेग प्रशिक्षण विधि को किसने विकसित किया था। तो फॉर्टलेग प्रशिक्षण विधि को 1937 में गोस्टा होमलर ने बनाया था। किसने? गोस्टा होमलर ने बनाया था। नेक्स्ट, दीवार को धक्का देना किस प्रकार का संकुचन है। तो यह स्टैटिक यानी कि स्थिर संकुचन है, जिसे हम आइसोमेट्रिक भी कहते हैं। तो जैसे कि स्ट्रेंथ को डेवलप करने की तीन विधियां होती हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। आइसोटोनिक की खोज ली डोने ने किया था 1953 में, और आइसोटोनिक का अर्थ होता है आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव, यानी कि सेम तनाव। पेशियां छोटी बड़ी होती हैं, दो प्रकार का होता है, कंसेंट्रिक कंट्रक्शन एंड इसेंट्रिक कंट्रक्शन। जैसे हम डंबल अभ्यास कर रहे हैं, तो जब हम डंबल को ऊपर की तरफ लाएंगे तो कंट्रक्शन होगा, तो इसको हम कंसेंट्रिक कंट्रक्शन कहेंगे, और जब नीचे की तरफ लाएंगे वापस तो फैलेगा, उसको इसेंट्रिक कंट्रक्शन बोलेंगे। दूसरा होता है आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन, जिसकी खोज हेटिंगर मुलर ने 1954 में किया था, और जिसमें सेम लंबाई होती है, कोई प्रत्यक्ष गति दिखाई नहीं देता, कार्य होता हुआ दिखाई नहीं देता, पेशिया की लंबाई सेम होती है, जैसे दीवार को धक्का मारना। आइसोटोनिक का एग्जाम्पल है जैसे कैलेस्थेनिक व्यायाम, एक ही स्थान पर दौड़ना, भार प्रशिक्षण, मेडिसिन बाल थ्रो के साथ व्यायाम आदि। आइसोकाइनेटिक तीसरा होता है आइसोकाइनेटिक, आइसो मतलब सेम, काइनेटिक मतलब गति होता है, तो यानी कि सेम गति।
अब आइसोकाइनेटिक की खोज जेम्स फेराइन ने 1968 में किया था। आइसोकाइनेटिक जो है मशीनों के द्वारा या मशीनों की सहायता से किया जाता है। यह पानी वाले खेलों जैसे कि रोइंग, नाव खेलना, तैरना आदि में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, लगातार प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो अर्नेस्ट वी आकेन के द्वारा 1920 में लगातार प्रशिक्षण विधि की खोज किया गया जिससे सहनशीलता डेवलप होता है। नेक्स्ट, अंतराल प्रशिक्षण विधि द्वारा गति सहनशीलता बढ़ाने के लिए उत्तम पुनः प्राप्ति समय क्या है जब नाड़ी गति नीचे आता है? तो इसमें हार्ट रेट 140 से 180 तक होता है। जब ही हार्ट रेट 180 तक पहुंच जाता है क्रियाकलाप रोक दिया जाता है और रिकवरी जब ही रिकवरी के समय हार्ट रेट 120 से 140 प्रति धड़कन पहुंचती है तो ही क्रिया पुनः स्टार्ट कर दिया जाता है। तो रिकवरी के समय जो हार्ट रेट होता है 120 से 140 तक होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अंतराल प्रशिक्षण में अनकम्प्लीट रिकवरी दिया जाता है, कंप्लीट रिकवरी नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता के भार के पश्चात रिकवरी कितने चरणों में हो सकती है? तो यह 3 चरणों में हो सकती है। नेक्स्ट, उच्च तीव्रता एवं भार से थकावट शीघ्र होती है। अगर इंटेंसिटी यानी तीव्रता बहुत ज्यादा है और भार भी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि थकावट यानी फाटिक जल्दी होगी, लेकिन गति क्रिया के पश्चात रिकवरी भी शीघ्रता से हो जाती है। जितना जल्दी थकावट होती है और रिकवरी भी उतना ही जल्दी हो जाती है। यह कथन किस लेखक का है? यह कथन को कहा है जेको लेव एन 1977 में। नेक्स्ट, किस क्षमता के विकास के लिए अंतराल प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है? तो अंतराल प्रशिक्षण शक्ति सहनशीलता को विकसित करता है। दोस्तों यहाँ सहन शक्ति नहीं होगा, लेकिन अगर सहनशीलता को डेवलप करने के लिए ही कंटिन्यूअस इंटरवल रिपीटेशन कंपटीशन मेथड है तो सहन शक्ति दिया रहेगा तो वहां पे सहन शक्ति सही होगा, लेकिन जब सहन शक्ति और गति सहन शक्ति दोनों अलग अलग दिया रहेगा तो वहां पे राइट होगा गति सहन शक्ति। नेक्स्ट, सार्जेंट जंप क्या आंकता है? तो सार्जेंट जंप जो है वो पैरों की विस्फोटक शक्ति को मापता है। तो विस्फोटक शक्ति यानी एक्सप्लोटिव एक्सप्लोसिव पावर को आंकता है। नेक्स्ट दोस्तों, फिनिश ग्रिप संबंधित है। तो दोस्तों फिनिश ग्रिप जो है जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से संबंधित है, भाले से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों, परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो थ्योरी के दिया है थार्नडाइक ने, जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट, ट्रांजिशन अवधि का लक्षण क्या है? तो दोस्तों ट्रांजिशन अवधि रिकवरी फेज होता है, इसमें सामान्य स्थिति में आया जाता है। तो ट्रांजिशन अवधि रिकवरी फेज होता है, जैसे कि जो प्रियोडाइजेशन होता है उसमें 3 फेज होते हैं, प्रिपरेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड एंड ट्रांजिशनल पीरियड। प्रिपरेटरी पीरियड में वह समय होता है जिसमें एथलीट की प्रिपरेशन का मुख्य पार्ट होता है जो 6 से 7 महीने का होता है। और कंपटीशन पीरियड जो होता है वह समय एथलीट का मेन कंपटीशन होता है जो 4 महीने का होता है। जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वह समय जहां एथलीट को रेस्ट दिया जाता है ताकि वह अगले साल फिर से नए पीरियडाइजेशन को शुरू कर सके, यानी कि जो आपका ट्रांजिशनल पीरियड होता है, अवधि होता है, इसको एक्टिव रिकवरी फेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है, 3 से 6 सप्ताह का प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है? तो जो प्रशिक्षण चक्र यानी ट्रेनिंग साइकिल होता है 3 होता है, मैक्रो चक्र, मेजो चक्र एंड माइक्रो चक्र। जो मैक्रो चक्र होता है सबसे बड़ा ट्रेनिंग साइकिल होता है जिसे ट्रेनिंग योजना भी कहते हैं, और यह 3 से 12 महीने का यानी 1 साल का होता है जिसे 365 दिन या 52 सप्ताह भी कह सकते हैं। और जो मेजो चक्र होता है दूसरा चक्र जिसे जो 3 से 6 सप्ताह का होता है यानी 1 से 1.5 माह का, 30 से 45 दिन भी बोल सकते हैं, इसलिए इसको मेजो ट्रेनिंग चक्र, मासिक ट्रेनिंग चक्र, अवस्थान चक्र या मध्यम समय चक्र भी कहते हैं। और इसमें इस स्पेसिफिक ट्रेनिंग टास्क को पूरा किया जाता है।
एंड तीसरा चक्र होता है माइक्रो चक्र, जो सूक्ष्म चक्र या साप्ताहिक योजना होता है, जो सबसे छोटा चक्र होता है, ये 3 से 10 दिन या 1 सप्ताह का होता है। तो यहाँ पे 3 से 6 सप्ताह का प्रशिक्षण चक्र क्या होता है ये पूछा है, तो यहाँ पे मेजो चक्र राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आंतरिक भार की जांच की जाती है। तो दोस्तों जो भार होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल भार वो होता है जैसे कि हम कितना समय तक कार्य किए या भार उठाए या दौड़े, एक्सटर्नल होता है। उसका प्रभाव हमारे आंतरिक अंगों, हमारे हृदय, हमारे फेफड़े, हमारे हृदय धड़कन, रक्त प्रवाह में क्या असर पड़ रहा है, वो आंतरिक भार होता है। तो आंतरिक भार की जांच की जाती है, हमारा पल्स रेट कितना है और भार तीव्रता द्वारा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण की विशिष्टीकरण के संदर्भ में लंबी कूद के एक खिलाड़ी को क्या करना चाहिए। तो लंबी कूद के एक खिलाड़ी को ऊंचाई की ओर दौड़ना चाहिए, जिससे उसकी जो एंड्योरेंस पावर होता है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट है, नियंत्रण चक्र का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले क्रिया होगा, उसके बाद उसका फीडबैक यानी परिणाम आएगा, फिर उसका हम इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद समायोजन करेंगे। नेक्स्ट है, लंबी अवधि के निरंतर प्रशिक्षण के पश्चात विश्राम के समय हृदय दर काफी कम हो जाती है। तकनीकी रूप से इस कमी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हमारा जो सामान्यतः हार्ट रेट होता है प्रति मिनट 72 बार होता है, लेकिन जब हम कोई क्रिया करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, दौड़ते या कोई भी काम करते हैं, उस कंडीशन में जो हमारा हार्ट रेट हो जाता है 180 प्लस हो जाता है। लेकिन जब हम कोई एक खिलाड़ी या जो व्यायाम करता होता है वो प्रशिक्षित हो जाता है, तो साधारण स्थिति में उसका हार्ट रेट जो होता है वह 40 से 50 हो जाता है। यानी कि हार्ट रेट जितना ही धीमा होगा, आप में थकावट उतना ही अच्छा होगा। तो इस कंडीशन को, तो ज्यादातर हमारा हार्ट रेट 60 से 100 बार होता है, 60 से 100 बार प्रति मिनट। अगर 60 से कम हो जाता है तो उस कंडीशन को, उस हार्ट रेट कंडीशन को ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। तो यहाँ पे प्रशिक्षण ब्रेडीकार्डिया यहाँ पर राइट होगा। लेकिन जब 60 से 100 से 100 से ज्यादा होता है हार्ट रेट, तो उसको टैकीकार्डिया कहती है। नेक्स्ट है, सहन शक्ति प्रशिक्षण के लिए तीव्रता क्षेत्र है। तो सहन शक्ति शब्द से ही समझ सकते हैं, सहन शक्ति लंबे समय की क्रियाओं में होती है। तो इंडोरेंस में जो तीव्रता होगी, ज्यादा समय की क्रिया में तीव्रता यानी इंटेंसिटी कम होगी, और जो कम समय की क्रियाएं होंगी उसमें तीव्रता यानी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो सहन शक्ति प्रशिक्षण के लिए तीव्रता क्षेत्र जो होता है 30 से 50 प्रतिरोध अनुप्रयोग होगा, जबकि जो स्ट्रेंथ वाले चीजें होंगी वो 70 से 80 या 90 तक तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी होगी। नेक्स्ट है, खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों खेल प्रशिक्षण का एक ही उद्देश्य होता है कि खेल प्रदर्शन में सुधार करना। नेक्स्ट है, एक सामान्य नियम के मुताबिक बच्चों को कितने समय से ज्यादा प्रशिक्षण नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों प्रत्येक दिन आधे घंटे यानी 30 मिनट व्यायाम जरूर करना चाहिए, और हफ्ते में 18 से 24 घंटे, ठीक है, कम से कम हफ्ते में 18 से 24 घंटे व्यायाम यानी प्रशिक्षण 18 से 24 घंटे से ज्यादा नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, साधारण स्ट्रेचिंग अभ्यास जरूरी विधि है। तो साधारण स्ट्रेचिंग जो अभ्यास है वो लंबे समय तक लचीलापन बनाए रखने के लिए जरूरी है। स्ट्रेचिंग से, खिंचाव से हमारे शरीर में लचकता यानी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट है, फार्टलेक, जिसका अर्थ है स्पीड प्ले, क्या क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों इसका तात्पर्य होता है लगातार तेज यानी एक समान चाल विधि। तो एक क्वेश्चन आपका बीपीएससी TI-2 में आया हुआ था, याद रखिएगा। स्पीड प्ले जो है वो स्वीडिश शब्द होता है। नेक्स्ट है, ट्रेडमिल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो ट्रेडमिल जो मशीन द्वारा, एक मशीन है जिसमें हम दौड़ में किए गए कार्य को मापते हैं, जो सहनशीलता को डेवलप करता है। नेक्स्ट है, जॉगिंग, तैराकी एंड साइकिलिंग, ये किसका एक हिस्सा है। तो दोस्तों ये सभी निरंतर प्रशिक्षण यानी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड का हिस्सा है, और ये सभी एरोबिक ट्रेनिंग में आएंगे और सहनशीलता को डेवलप करेंगे।
नेक्स्ट, प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो स्ट्रेटजी यानी रणनीति को प्रतियोगिता योजना का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, खेल की शीर्ष फॉर्म किस पर निर्भर करती है? तो खेल की शीर्ष फॉर्म प्रशिक्षण पर निर्भर करती है कि जो खेल कंपटीशन के पहले आपने कितना प्रशिक्षण ट्रेनिंग लिया है, कितना प्रैक्टिस किया है। नेक्स्ट है, नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? किसी भी चीज का प्रथम चरण होता है लक्ष्य का निर्धारण करना। नेक्स्ट दोस्तों, अधिक ऊंचाई पर ट्रेनिंग लोड के अनुकूलन को किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसको एक्लेमेटाइजेशन के रूप में जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इससे हमको ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए ज्यादा मात्रा में हमारा जो हार्ट रेट होता है वो बढ़ जाता है, जिससे ज्यादा मात्रा में ब्लड फ्लो होता है। इस अनुकूलन को हम एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, तेज संकुचन से प्रतिरोध से पार पाने की क्षमता को क्या कहते हैं? दोस्तों तेज संकुचन, जहां तेजी तीव्रता की बात आ जाए वहां पे विस्फोटक शक्ति होगा, यानी तेज संकुचन से प्रतिरोध से पार करने की क्षमता को क्या कहते हैं? विस्फोटक शक्ति। शक्ति तीन प्रकार की होती है, अधिकतम शक्ति यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ, उसमें अधिकतम शक्ति के विरोध प्रतिरोध को पार किया जाता है, और दूसरा होता है विस्फोटक शक्ति यानी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, जो तेज गति या तेज संकुचन के विरुद्ध प्रतिरोध को पार किया जाता है, और तीसरा होता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, शक्ति सहनशीलता। नेक्स्ट दोस्तों, प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण पद्धति का प्रयोग किसे विकसित करने के लिए किया जाता है? तो विस्फोटक शक्ति को विकसित करने की श्रेष्ठ विधि है प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड। नेक्स्ट, वह प्रशिक्षण चक्र जो दैनिक एवं साप्ताहिक प्रशिक्षण भिन्नता पर केंद्रित होता है, तो दोस्तों दैनिक या साप्ताहिक को हम सबसे छोटा ट्रेनिंग चक्र यानी माइक्रो चक्र, माइक्रो साइकिल कहते हैं, तो माइक्रो चक्र यहाँ पे राइट होगा, जो 7 से 3 से 10 दिन या 1 सप्ताह का होता है। नेक्स्ट दोस्तों, विस्तृत अंतराल विधि में तीव्रता कितनी होती है? तो दोस्तों जैसे कि जो हमारा सहनशीलता को डेवलप करने की 4 विधियां होती हैं, कंटिन्यूअस मेथड, इंटरवल मेथड, रिपीटेशन मेथड एंड कंपटीशन मेथड, जिसमें से हमारा जो कंटिन्यूअस मेथड होता है 4 प्रकार का होता है, स्लो कंटिन्यूअस, फास्ट कंटिन्यूअस, फॉर्टलेक मेथड, वेरिएबल पेस मेथड, जिसमें जो अंतराल प्रशिक्षण होता है वह अंतराल प्रशिक्षण जो है तीव्रता के आधार पर 2 प्रकार का होता है, इंटेंसिव इंटरवल मेथड यानी कि गहन अंतराल विधि, और दूसरा होता है एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड यानी विस्तृत अंतराल विधि। जो हमारा इंटेंसिव इंटरवल मेथड होता है गहन अंतराल विधि, उसमें तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी 80 से 90% होता है, और हार्ट रेट 175 से 180 बीट प्रति मिनट होता है। जबकि एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड यानी विस्तृत अंतराल विधि में जो हार्ट रेट होता है 60 से 80% होता है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रशिक्षण भार के मुख्य अवयव क्या है? तो दोस्तों प्रशिक्षण भार यानी कि ट्रेनिंग लोड में 2 ही मुख्य अवयव होते हैं, एक होता है तीव्रता यानी इंटेंसिटी, और दूसरा होता है आयतन यानी वॉल्यूम। तीव्रता मतलब कितनी तेजी से कार्य, कितनी स्पीड से काम किया जा रहा है, और आयतन मतलब वॉल्यूम मतलब कितना समय तक काम किया गया, यानी आयतन वाला वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, समय जितना ज्यादा होगा, इंटेंसिटी उतना कम होगी, तीव्रता उतना कम होगी, और आयतन यानी वॉल्यूम यानी समय जो जितना कम होगा, इंटेंसिटी यानी तीव्रता उतना कम होगी, ठीक है। यानी कि अगर आयतन यानी वॉल्यूम कम है तो तीव्रता ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा है यानी समय ज्यादा है तो तीव्रता कम, दोनों में विपरीत संबंध है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण अभ्यासों के दौरान चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अंतिम उत्पाद होता है दुग्धाम्ल यानी कि लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण थकावट होती है। नेक्स्ट है, लोड यानी कि भार की दर होती है, तो भार घनत्व के विपरीत अनुपाती होती है, जो भार घनत्व के विपरीत अनुपाती होती है। नेक्स्ट दोस्तों, फार्टलेक प्रशिक्षण बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है? यह सहनशीलता यानी कि एंड्योरेंस को डेवलप करता है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट, वह प्रशिक्षण जिसमें 6 से 10 प्रकार के व्यायाम शामिल होते हैं, जिन्हें एक के बाद एक पूरा किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उसके सर्किट ट्रेनिंग प्रशिक्षण कहते हैं। इस सर्किट ट्रेनिंग की खोज
किया था। सर्किट ट्रेनिंग जो है स्ट्रेंथ एंडोरेंस को, सर्किट ट्रेनिंग स्ट्रेंथ एंडोरेंस को डेवलप करता है। सर्किट ट्रेनिंग किसको डेवलप करता है? स्ट्रेंथ एंडोरेंस को डेवलप करता है। और इसमें एक गोलाकार सर्कल में क्रिया कराया जाता है, जिसमें आपको, तो दोस्तों सर्किट ट्रेनिंग की जो खोज है वो 1957 में एडमसन मॉर्गन ने किया था। और जो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यानी शक्ति सहनशीलता को विकसित करता है, यह एक गोलाकार सर्कल में किया जाता है जिसमें 10-12 ठहराव यानी स्टेशन होते हैं। प्रत्येक ठहराव यानी स्टेशन पर खिलाड़ी अलग अलग क्रियाकलाप करते हुए इस प्रशिक्षण को पूर्ण करते हैं। इस प्रशिक्षण में 2 पुनरावृत्तियों के बीच 20 सेकेंड का अंतराल दिया जाता है। नेक्स्ट है सुनियोजित प्रशिक्षण किया जाता है, तो कौशल में महारत पाने के बाद सुनियोजित प्रशिक्षण क्यों किया जाता है? प्रशिक्षण में महारत हासिल करने के बाद सुनियोजित प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटे छोटे गलतियों को बताया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों गति खेल प्रशिक्षण को क्या कहते हैं? तो स्पीड प्ले यानी गति खेल प्रशिक्षण को फॉर्टलेट प्रशिक्षण बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों वैसा प्रशिक्षण भार एथलीट के सामर्थ्य से बहुत कम या अधिक नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों न प्रशिक्षण भार बहुत ज्यादा हो न बहुत कम हो यानी एकदम ऑप्टिमल हो, तो उसको अनुकूलन भार कहा जाता है, ऑप्टिमल लोड भी कहा जाता है। ऑप्टिमल लोड यानी इंग्लिश में बोलेगा तो ऑप्टिमल लोड, हिंदी में होगा तो अनुकूलन भार होगा, यानी प्रशिक्षण भार न बहुत ज्यादा हो न बहुत कम हो। नेक्स्ट दोस्तों वह संकल्पना जो आधुनिक शारीरिक शिक्षा का वास्तविक स्वभाव दर्शाती है, तो उसे कहते हैं शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल ट्रेनिंग। नेक्स्ट दोस्तों प्रशिक्षण एक व्यापक अध्ययन अध्यापन संबंधी परिघटना है और एथलीट के लिए उसका लक्ष्य है प्रदर्शन समृद्धि। किसी भी प्रशिक्षण का एक ही लक्ष्य होगा, प्रदर्शन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट दोस्तों खेल निष्पादन किसका एक उत्पाद है? तो संपूर्ण व्यक्तित्व का एक उत्पाद है। नेक्स्ट है वह, नेक्स्ट दोस्तों भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों के द्रव्यमान में वृद्धि होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो मांसपेशी अति पुष्टि या मस्क्यूलर हाइपरट्रॉफी। दोस्तों इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। जब व्यायाम के कारण या एक्सरसाइज या क्रियाकलाप के कारण मांसपेशियों के द्रव्यमान में या मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि होती है, तो मास्क्यूलर हाइपरट्रॉफी या मांसपेशी अति वृद्धि उसको बोला जाता है। लेकिन दोस्तों व्यायाम के अभाव के कारण जब मांसपेशियां छोटी या कमजोर हो जाती हैं, तो उससे तब उसे हम मास्क्यूलर और ट्रॉफी, उसे हम और ट्रॉफी या उसे और ट्रॉफी कहते हैं दोस्तों। जैसे कि आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों एरोबिक व्यायाम किसको मजबूत करता है? तो हृदय और फेफड़ों को मजबूत करता है एरोबिक व्यायाम। एरोबिक व्यायाम जैसे कि जॉगिंग, तैराकी, कैलिस्थेनिक व्यायाम, रस्सी दौड़ना, सहनशीलता वाले जितने भी क्रियाकलाप हैं सब एरोबिक व्यायाम में हो जाएंगे। जो स्ट्रेंथ यानी कि हाई इंटेंसिटी होगी वह सब अनएरोबिक व्यायाम यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होंगे, जैसे 100 मीटर दौड़। नेक्स्ट दोस्तों प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है? तो दोस्तों पुरानी अवस्था से नवीन अवस्था में समस्त अधिगम का प्रयोग करना, यानी जो पुराने जो पहले हम सीखे हैं कोई स्किल, अगर नए कार्य में कोई स्किल सीखने में हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसे हम प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहते हैं। नेक्स्ट है खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों तो खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सर्वप्रथम एनर्जी थ्योरी दिया था हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने। नेक्स्ट है भारत खेलों में उच्च प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों उसका मुख्य कारण है खिलाड़ियों के उचित प्रशिक्षण का अभाव। नेक्स्ट है सर्किट प्रशिक्षण विधि की खोज किसने की? तो 1957 में मॉर्गन और एडमसन ने किया था, जिसमें स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को डेवलप किया जाता है।
नेक्स्ट है खेल प्रदर्शन किसका परिणाम है, तो यह खेल प्रदर्शन जो है स्किल यानी कि कौशल का परिणाम होता है कि आप किस स्किल पर कितना महारत हासिल किए हैं प्रशिक्षण के द्वारा, उसी के अनुसार आपका खेल में प्रदर्शन होता है। नेक्स्ट अवधिकालीनता के अंतर्गत कितने काल आते हैं, तो दोस्तों तीन काल आते हैं, प्रिपरेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड एंड रिकवरी यानी कि ट्रांजिशनल पीरियड। नेक्स्ट दोस्तों प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग किसको विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, विस्फोटक शक्ति को। नेक्स्ट है खेलकूद प्रशिक्षण की कौन सी विशेषता वैज्ञानिक अवलोकन प्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है, तो यह पूर्णता की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है जब कोई प्रशिक्षु किसी मूवमेंट का बार बार अभ्यास करता है और कोच उसका नियंत्रण सहायता करता है और त्रुटि सुधार करता है, तो इस विधि को हम क्या कहेंगे, तो जाहिर सी बात है इस विधि को सहयोग विधि कहेंगे। नेक्स्ट है अमूर्त से मूर्त सिद्धांत संबंधित है, तो दोस्तों अमूर्त से मूर्त सिद्धांत शिक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि का आविष्कारक कौन है, दोस्तों तो W.H. Kilpatrick जो है वो प्रोजेक्ट यानी प्रयोगात्मक विधि के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है शक्ति ग्रहण तीव्रतम होती है, तो दोस्तों शक्ति ग्रहण तीव्रतम आइसोकाइनेटिक व्यायाम में होती है, ठीक है, जो पानी द्वारा पानी वाले खेलों में मशीनों द्वारा किया जाता है जैसे रोइंग तैराकी आदि। नेक्स्ट आइसोटोनिक व्यायाम से सर्वप्रथम किसने परिचय कराया था, दोस्तों तो ली डोने ने 1953 में आइसोटोनिक की खोज किया था जिसमें मांसपेशियों की लंबाई घटती और बढ़ती दोनों है और ये शक्ति डेवलप करने की सर्वश्रेष्ठ विधि भी है। नेक्स्ट है लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम पद्धति क्या है, तो दोस्तों स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड जो है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन के डेवलप करने की सर्वोत्तम विधि है। नेक्स्ट हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह बढ़ता है, तो जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो रक्त प्रवाह होता है स्केलेटल मसल्स की ओर यानी कंकाली मांसपेशियों की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों सटल रन से क्या परखी जाती है, तो सटल रन से एजिलिटी यानी स्फूर्ति परखी जाती है। नेक्स्ट थकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध के साथ या प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, दोस्तों तो यहाँ पे थकान की अवस्था में कार्य करते रहना उसको सहनशीलता कहते हैं, लेकिन जब प्रतिरोध शब्द आ जाएगा जहां जहां कहीं भी प्रतिरोध शब्द आएगा वहां शक्ति शब्द जरूर जुड़ा रहेगा। याद रखिएगा कि थकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध के साथ या प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं शक्ति सहनशीलता, ठीक है। नेक्स्ट है यदि कोई मांसपेशी संकुचित हो परंतु उसमें कोई गति न हो तो यह संकुचन विधि क्या कहलाती है, तो क्वेश्चन सुनकर ही आंसर आप दे दिए होंगे, आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन कहलाती है। नेक्स्ट दोस्तों गोनियोमीटर से क्या मापा जाता है, तो गोनियोमीटर से फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन मापा जाता है और जोड़ों के कोण को मापा जाता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी का पर्याय क्या है, तो फ्लेक्सिबिलिटी का पर्याय है गतिशीलता। नेक्स्ट है प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ जाता है, तो लैक्टिक अम्ल बन जाता है जिसके कारण शरीर में थकावट होती है। नेक्स्ट है दोस्तों सीटअप का उद्देश्य क्या है, तो पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करना। दोस्तों एक क्वेश्चन आया था जैसे कि सीटअप जो है तृतीय प्रकार के लीवर का उदाहरण है जिसमें जो बीच में बल यानी कि फोर्स होता है, तो सीटअप जो है वो तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है और सीटअप पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करता है, जबकि पार्टियल सीटअप आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था बीपीएससी टीआई 2 में, वो भी आपके पेट की पेशियों को ही डेवलप करता है। नेक्स्ट है लचीलापन बढ़ाने के लिए कौन सा व्यायाम जरूरी है, तो जितने भी स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज होती हैं वो सभी के सभी लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। जितने भी योगासन है वो सभी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि उसमें स्ट्रेचिंग ज्यादा होता है। नेक्स्ट है शक्ति किससे मापी जाती है, तो शक्ति जो है डायनामोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट यदि कोई खिलाड़ी प्रशिक्षक की देख रेख में सीखे हुए कौशलों का अभ्यास करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो अगर प्रशिक्षक की देख रेख में कोई कौशल का अभ्यास करता है खिलाड़ी, तो उसे ग्रूविंग द स्ट्रोक बोला जाता है।
नेक्स्ट है प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट की खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों 60-65% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होता है एथलीट के खुराक में। वैसे भी हम लोग सबसे ज्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट लेते हैं 60-65% एंड 15-20% प्रोटीन एंड 25-30% वसा लिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में सुधार करने के लिए किस प्रशिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, तो सर्किट ट्रेनिंग का। नेक्स्ट है बाइसेप्स ब्रांची और लैटिमस डॉर्सी मांसपेशियां किसको विकसित करने के लिए, बाइसेप्स ब्रांची और लैटिमस डॉर्सी मांसपेशियां विकसित करने के लिए कौन सा अभ्यास लाभदायक होता है, तो पुलअप जो है व्यायाम जो है बाइसेप्स ब्रांची और लैटिमस डॉर्सी मांसपेशी विकसित करने के लिए लाभदायक होता है। लैटिमस डॉर्सी को ड्रॉइंग मसल्स भी बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंसेंट्रिक कंट्रक्शन। आइसोटोनिक दो प्रकार का होता है, कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक। जब मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो कंसेंट्रिक कंट्रक्शन कहते हैं, जब मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी लंबी हो जाती है तो उसे इसेंट्रिक कंट्रक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट एक स्वास्थ्य मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है, तो आप सबको पता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है किस गतिविधि में कार्डियो रेस्पिरेटरी सहन शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो दोस्तों भार उठाने में। भार उठाना कार्डियो रेस्पिरेटरी सहन शक्ति नहीं होगी, भार उठाना एक स्ट्रेंथ यानी कि एनएरोबिक एक्टिविटी होगा। नेक्स्ट है शारीरिक प्रशिक्षण के बाद कूल डाउन जरूरी होता है, क्यों दोस्तों, जैसे कि कोई भी एक्टिविटी करने से पहले वार्मिंग अप यानी शरीर को गर्माना जरूरी होता है, उसी प्रकार प्रशिक्षण के बाद एक्टिविटी खत्म करने के बाद कूल डाउन करना जरूरी होता है, क्योंकि यह लैक्टिक अम्ल के स्तर को क्या करता है, घटाता है। नेक्स्ट दोस्तों किस प्रशिक्षण में लाभकारी विश्राम अवधि का उपयोग किया जाता है, दोस्तों तो अंतराल प्रशिक्षण जो होता है इसमें अनकम्प्लीट रिकवरी दिया जाता है, जैसे कि जब हार्ट रेट जब अभ्यास किया जाता है तो 180 तक हार्ट रेट चला जाता है, जो ही 180 तक हार्ट रेट जाता है क्रियाकलाप रोक दिया जाता है, और अनकम्प्लीट रिकवरी के आधार पर जो ही हार्ट रेट 120 से 140 पहुंचती है पुनः क्रिया को शुरू कर दिया जाता है, इसलिए इसको रिकवरी मेथड भी बोला जाता है और इसको आराम विधि भी बोला जाता है। दोस्तों जो हमारा अंतराल प्रशिक्षण है अंतराल प्रशिक्षण को रेस्ट एंड केफर्ड विधि या आराम एवं प्रयास विधि और टेरेस प्रशिक्षण भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कौन सी संवैधानिक संस्थान शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण को संचालित करती है, तो दोस्तों NCTE राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है, हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद कहेंगे, और BPSC TI 2 में NCTE का फुल फॉर्म पूछा हुआ था, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आप इग्नोर मत करिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि खेलों में प्रतिभा खोज के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो वह गामक गुणवत्ता यानी कि मोटर गुणवत्ता महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है व्यायाम के समय अधिकतम ऑक्सीजन को ग्रहण करने की दर को क्या कहते हैं, तो उसको VO2 max या एरोबिक शक्ति बोला जाता है। नेक्स्ट है खेल भावना जैसा नैतिक मूल्य खिलाड़ी किससे ग्रहण करता है, तो वह अपने शिक्षक से या प्रशिक्षक कोच से ग्रहण करता है। नेक्स्ट है हृदय संवहन दक्षता यानी कि कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस निर्धारित करने वाले परीक्षण का क्या नाम है, तो हार्वर्ड स्टेफ टेस्ट, जो 1943 में गोस्टा लुसिन ब्रोहा ने दोस्तों एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए यानी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए बनाया था। नेक्स्ट दोस्तों शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें अपनी शक्ति का बेहतर प्रदर्शन करना शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट लचीलेपन को शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, तो यह मांसपेशियों को खींच जाने से बचाता है। जो लचीलापन को शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जितना ही ज्यादा आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन होगा मांसपेशी को खींचने से उतना ही बचाया जा सकता है यानी उतना ही चोट कम लगेगी।
नेक्स्ट, किसके द्वारा एरोबिक शक्ति में वृद्धि की जा सकती है दोस्तों? तो लंबी दूरी की दौड़ में के द्वारा एरोबिक शक्ति में वृद्धि किया जा सकता है। नेक्स्ट है, 3000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर किस प्रकार के दौड़ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? तो लंबी दूरी की दौड़ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट, पैर की शक्ति या बल को किसे सुधारा जा सकता है दोस्तों? तो डेप्थ जंप के द्वारा पैर की शक्ति या बल को सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट है, एक खिलाड़ी 10 सेकेंड में 100 मीटर दूरी पार करता है तो वह किस गति से भाग रहा है? तो जाहिर सी बात है, यह भी क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, तो एकदम सिंपल सवाल है। जब 10 सेकेंड में 100 मीटर जा रहा है तो यानी कि 10 मीटर जा रहा है तो 10 दहाई में 100 यानी कि 100 मीटर प्रति सेकेंड जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, LSD यानी लो स्लो डिस्टेंस प्रशिक्षण खिलाड़ी के लिए उच्च तीव्रता प्रशिक्षण से कुछ राहत किस प्रकार दे सकता है? तो वह होता है फार्टलेक प्रशिक्षण। नेक्स्ट है दोस्तों, कि डंबल्स, बारबेल्स और पुली मशीन का उपयोग किसमें होता है? तो यह लोड ट्रेनिंग यानी कि भार प्रशिक्षण में होता है, लोड ट्रेनिंग प्रशिक्षण भार में होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अभी ये खेल प्रशिक्षण का पहला पार्ट था वन लाइनर के द्वारा, एंड अब दो पार्ट और आएंगे आपके खेल प्रशिक्षण का। उसके बाद आपको सारी शिक्षा में प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट का वीडियो होगा, उसके बाद योगा का वीडियो होगा, उसके बाद खेल से संबंधित मुख्य मुख्य चीज़ें होंगी, उसके बाद मैं MCQ के माध्यम से आपको जल्द से जल्द प्रैक्टिस कराऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।